नहीं बल्कि 9 देशों में फैला हुआ है। इसका सबसे बड़ा भाग ब्राजील में 60%, पेरू में 13%, कोलंबिया में 10%, इसके बाद और भी 5 देशों में फैला हुआ है। क्या आपको पता है अमेज़न का जंगल में लगभग 4 अरब से भी ज्यादा वृक्ष है, और यह पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि यहाँ की जमीन धूप के लिए भी तरस जाती है। मीन सूर्य का किरण धरती तक पहुँच ही नहीं पाती है, यहाँ के पेड़ इतने ज्यादा घने हैं। विश्व का 62% रेन फॉरेस्ट का हिस्सा अकेले अमेज़न के जंगलों से ही आता है। क्या आपको पता है अमेज़न का जंगल का कुल क्षेत्रफल लगभग 5.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि हमारे भारत देश के कुल क्षेत्रफल से भी ज्यादा है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा जंगल है अमेज़न का जंगल, जो पूरे पृथ्वी का लगभग 4% हिस्सा में फैला हुआ है। और क्या आपको पता है अमेज़न नदी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी है। अगर पानी की स्टोरेज की बात करें तो अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा नदी है। क्या आपको पता है दुनिया का 20% रिवर अमेज़न के नदी में जाकर मिलती है, और बारिश के दिनों में जब ये नदी में पूरा पानी स्टोरेज हो जाता है तो कहीं कहीं नदी की चौड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि नदी के इस छोर से उस छोर का पता ही नहीं चलता है। लगता है कि हम कोई ओशियन देख रहे हैं जिसका छोर पता ही नहीं चलता है। क्या आपको पता है अमेज़न के जंगल में लगभग 17,000 से भी ज्यादा केवल पेड़ के प्रजाति पाए जाते हैं। क्या आपको पता है यहाँ पर 30,000 से भी ज्यादा केवल कीड़े की प्रजाति पाई जाती है, और क्या आपको पता है अमेज़न के रिवर में 5,000 से भी ज्यादा मछली की प्रजाति पाई जाती है। और आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि इस जंगल में 3,000 से भी ज्यादा केवल स्पाइडर की प्रजाति पाई जाती है। अब हम बात करते हैं अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाले कुछ खतरनाक जीव जंतु की। नंबर 1, बुलेट एंट। बुलेट एंट एक ऐसी चींटी है जो बहुत ही छोटी होती है, लेकिन आपने चींटी तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन बुलेट एंट जैसे चींटी नहीं देखी होगी। यह देखने में बहुत ही छोटा होता है, लेकिन इसका डंक बहुत ही खतरनाक होता है। इस चींटी का काटना किसी गोली के लगने के समान होता है, इसलिए शायद इसे बुलेट एंट कहा जाता है। इसके काटने से बहुत असहनीय दर्द होता है, जिसे सहन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसके काट लेने से बहुत तेज बुखार भी आ जाता है, इसलिए इसे बुलेट एंट चींटी कहा जाता है। ये अमेज़न के जंगल में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। सेकंड, क्या आपको पता है अमेज़न के जंगल में लगभग 120 प्रकार के जहरीले मेंढक भी पाए जाते हैं। चटक सुनहरी रंग के यह मेंढक देखने में तो बहुत ही आकर्षक लगता है, लेकिन एक मेंढक में लगभग 10 लोगों को मारने लायक जहर पाया जाता है। यह कई कलर में पाया जाता है, और यह बारिशों के दिनों में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। स्थानीय लोग या टूरिस्ट यहाँ जब घूमने जाते हैं तो यह इस मेंढक को देखते ही बहुत दूर हो जाते हैं, क्योंकि यह मेंढक बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है। छठ, एनाकोंडा। एनाकोंडा सांप आपने हॉलीवुड मूवी में बहुत बार देखा होगा, जिसमें एक ही जगह कई बड़े बड़े सांप जंगलों में घूमते रहते हैं और इंसानों को डायरेक्ट ही निगल जाते हैं। लेकिन रियलिटी में अमेज़न के जंगल में इतना ज्यादा बड़ा एनाकोंडा नहीं पाया जाता है। अमेज़न के जंगल में एनाकोंडा सांप पाया जाता है, लेकिन उसकी लंबाई लगभग 30 फीट से 40 फीट होती है, जिसका जहर तो नहीं होता है, लेकिन यह बहुत ही खतरनाक होता है। ये छोटे बड़े जानवरों को निगल के ही खा लेता है, और ये एक बार अगर कोई जानवर को निगल के खा ले तो लगभग महीनों भर ये बिना खाए रह सकता है, और ये ज्यादातर दलदलीय स्थान या पानी वाले स्थान में पाया जाता है। फोर्थ, क्या आपको पता है अमेज़न के जंगल में एक ऐसी नदी है जिसका टेम्परेचर लगभग 110 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसमें कहीं कहीं पानी उबलता हुआ भी दिखाई देता है। यहाँ का पानी बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। यहाँ का कुछ जनजाति लोग अगर किसी जनजाति के वासी की मौत हो जाती है तो यह उस बॉडी को जलाने और दफनाने के बजाय यह इस नदी में बॉडी को डाल देता है। कुछ जनजातियों का मानना है इस नदी को स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। 5, अमेज़न के जंगल में सबसे खतरनाक जानवर खूनी जगुआर को माना जाता है। यह एक प्रकार का तेंदुआ का प्रजाति का जानवर है, जो बहुत ही फुर्तीला होता है, इंसानों से दूर रहता है, और यह जानवरों को ज्यादा शिकार करता है। 6, क्या आपको पता है अमेज़न के जंगलों में एक ईगल पाया जाता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है। इसका साइज बहुत ही बड़ा होता है, और इसका केवल पंख की लंबाई 3 फीट से भी ज्यादा होती है। इसका वजन 5 से 6 किलो तक होता है, और यह अपने वजन से दुगना वजन अपने पंजों में पकड़ कर उड़ सकता है, जिसके कारण यह इसका फेवरेट शिकार बंदर माना जाता है, और यह बड़े जानवरों के बच्चों को शिकार भी करता है। यह बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन यह प्रजाति अब धीरे धीरे लुप्त हो रही है। दोस्तों, तो कैसा लगा आपको ये अमेज़न का जंगल, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हमारे चैनल पे आने वाले वीडियो कोई भी आप मिस ना कर। ओके दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।